आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। कोरोना से निराशित हुए बच्चों के भरण पोषण शिक्षा और सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लखनऊ से महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया वर्चुअल शुभारंभ। कहा, निराश्रित बच्चों के अभिभावकों को मिलेगा प्रतिमाह 4,000 रुपए, जनपद के 176 बच्चे होंगे लाभान्वित। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई असरन से मेडिकल कॉलेज रोड स्थित विभिन्न मोहल्लों में जल जमाव के निस्तारण संबंधित बैठक। जलभराव पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार, 2 दिनों के अंदर सभी मोहल्लों से पानी निकालने के दिए निर्देश। मात्र 250 रुपए के लिए हुई थी युवक की सिर कूच कर हत्या, एसपी सिटी ने किया सनसनीखेज खुलासा। कहा, शराब के नशे में अभियुक्त संदीप चौहान ने की थी हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल, मामला राजघाट थाना क्षेत्र का। महानगर को जलभराव से मुक्ति के लिए नगर आयुक्त ने विवेकाधीन कोष से दिल्ली, कानपुर और लखनऊ से पंपिंग सेटों की खरीद के दिए निर्देश, जिससे जल निकासी में ना होने पाए कोई दिक्कत। ऑपरेशन न्याय के तहत एसएसपी ने कैंट थाने पर किया विवेचक और वादकारी के साथ बैठक, मुकदमों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश। मेडिकल कॉलेज रोड पर जलभराव की समस्या पर नगर आयुक्त ने कहा, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने जलभराव से निजात दिलाने के लिए दिया है आश्वासन, की जा रही है कार्यवाही। प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत करने के उद्देश्य से निकाली गई जागरूकता वैन को विधायक ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आरटीओ ने कहा, सुरक्षित यात्रा के लिए हेलमेट सीट बेल्ट का करें प्रयोग, सड़क दुर्घटना के प्रति रहे सचेत। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक दिन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम कार्यक्रम का किया गया आयोजन। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के घर जाकर येलो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए करेंगे प्रेरित। राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के अध्यक्ष द्वारा कॉम्प्लेक्स की समस्याओं को नगर आयुक्त को अवगत कराने के बाद राप्ती कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण करने पहुंचे नगर आयुक्त। जल जमाव से मुक्ति के लिए नालों की सफाई, नालों की मरम्मत और स्ट्रीट लाइट लगवाने के दिए आश्वासन। गोरखपुर में गुरुवार को मिले 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,355। अब तक 847 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 38 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। 22 से 28 जुलाई तक चलने वाले प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह का विधायक विपिन सिंह ने किया शुभारम्भ। कहा, जीवन है अमूल्य, करे यातायात नियमों का पालन, रहे सुरक्षित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से हिंदू युवा वाहिनी द्वारा हर एक घर तुलसी और एक पौधा सहजन एवं भूमि सुपोषण अभियान के तहत किया गया वेबिनार का आयोजन। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के साथ कुपोषण से निपटने वाले औषधीय पौधों पर की गई चर्चा। गुरुवार को जिला अस्पताल सहित 72 केंद्रों पर 20,825 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। एडिशनल सीएमओ ने कहा, वैक्सीनेशन कराते समय करें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, रहे सुरक्षित। स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरण के विरोध में यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने किया 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार। सीएमओ कार्यालय पर दिया धरना, स्थानांतरण निरस्त करने की मांग। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती की पूर्व संध्या पर गुरु कृपा संस्थान ने किया याद। आजाद चौक स्थित प्रतिमा पर एडीएम फाइनेंस सहित अन्य लोगों ने किया माल्यार्पण, दी श्रद्धांजलि। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कोचिंग सेंटरों को खोले जाने की मांग को लेकर कोचिंग टीचर ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले कोचिंग संचालकों ने जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन। क्लास 9th के ऊपर की कोचिंग सेंटरों को खोलने की मांग। कहा, भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं शिक्षक।
केंद्र सरकार में पिछड़े वर्ग के सांसदों को मंत्री बनाए जाने पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर अध्यक्ष ने केंद्र सरकार का जताया आभार, कहा पिछड़ा वर्ग है भाजपा के साथ। ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को मानव श्रृंखला बनाकर मंडलायुक्त के माध्यम से भेजा गया शुभकामना संदेश, कहा देश का नाम रोशन करेंगे खिलाड़ी। और शासन के निर्देश पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाए गए कोरोना नाइट कर्फ्यू का मिला जुला असर गुरुवार को भी दिखा। एसपी सिटी ने कहा रात्रि 10 बजे के बाद घरों से ना निकले बाहर, घर में रहें, सुरक्षित रहें।